हेलो एवरीवन वेलकम टू वाइंग फिजिक्स तो सी एस आई आर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के हम सोल्व कर चुके हैं और क्वांटम के भी कुछ चैप्टर्स के हमने सोल्व कर लिए थे अभी जो रिमेनिंग चैप्टर्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं तो लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिकल पार्टिकल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं तो लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था जो दिसंबर 2019 में आया था फिफ्थ क्वेश्चन था दिसंबर 2019 में आइडेंटिकल पार्टिकल से आपके चार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ये भी दिसंबर 2019 में ही आया था टू स्पिन हाफ फरमेन्स ऑफ मास एम आर कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ एल इफ द पार्टिकल्स आर नोन टू बी इन ए स्पिन ट्रिपलेट स्टेट तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है इस सिस्टम की ठीक है तो यहाँ पे दो फर्म्योन गिवन है स्पिन हाफ फर्म्योन है तो स्पिन हाफ फर्मियोंन की अगर हम बात करें तो एक स्टेट में ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी गई है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए एक स्टेट में दो फर्मियोन अपने आ सकते हैं जिसमें एक की स्पिन क्या होगी अप और दूसरे की स्पिन क्या होगी डाउन लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है तो जो ग्राउंड सेट एनर्जी होगी उसमें एन हम क्या लेंगे वन लेंगे और जो एनर्जी होती है ई एन से हम लिखते हैं ग्राउंड सेट की नहीं जनरल एन एथ लेवल की एनर्जी की हम बात करें तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन टू एम विड्थ का स्क्वायर एल स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे पूछा क्या है कि पार्टिकल्स आर नोन टू बी इन अ स्पिन ट्रिपलेट स्टेट और स्पिन ट्रिपलेट स्टेट कब होगी ट्रिपलेट कब होगी और सिंगलेट कब होगी अगर ट्रिपलेट की हम बात करें तो हमें पता है ट्रिपलेट के लिए एस क्या होना चाहिए वन होना चाहिए एम एस वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है वन ज़ीरो एंड माइनस वन ठीक है और अगर सिंगलेट्स स्पिन की अगर हम बात करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स की या दो फर्मियंस की कुछ भी हो तो उनके लिए सिंगलेट स्पिन में एस क्या होगा ज़ीरो होगा और एम एस वैल्यू क्या होगी ज़ीरो होगी अब दो इलेक्ट्रॉन्स में एस ज़ीरो कब हो सकता है जब एक स्पिन क्या हो अप हो और एक स्पिन क्या हो डाउन हो तो एम एस वैल्यू हमें क्या मिलेगी ज़ीरो मिलेगी ठीक है तो ये तो केस है नहीं सिंगलेट का इन्होंने नहीं पूछा ट्रिपलेट का पूछा है तो ट्रिपलेट में क्या होगा या तो स्पिन दोनों की अप हो या दोनों की स्पिन क्या हो डाउन हो तो अगर एम एस वैल्यू हम सेम कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एक स्टेट में दो फर्मियन नहीं आ सकते ठीक है तो ग्राउंड स्टेट फॉर्म अब क्या हो जाएगी सिस्टम कैसा बनेगा हमारा कि एक फर्मियन जो है वो n इक्वल टू वन में है और एक फर्मियन किस में है n इक्वल टू टू में है तो अभी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी कि एक फर्म्योन तो है एन इजिकल टू वन स्टेट में तो n के जगह पे वन रखेंगे वन इंटू में पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर और एक फर्मियन किस स्टेट में है एन इज़ इक्वल टू टू में है तो फोर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर तो किस यूनिट में हमसे पूछी है पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर ये हम ले लेंगे कॉमन और क्या हमें मिलेगा इधर से वन और यहाँ से फोर तो वन प्लस फोर फाइव तो जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना दिसंबर 2019 में ही आया था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ स्पिन जीरो इन वन डी आर एक्स वन एंड एक्स टू रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन एडमिसिबल वे फंक्शन फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें बताना है कि दो पार्टिकल सिस्टम के लिए वन डी में जिनकी स्पिन क्या है जीरो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा तो हमें समझ नहीं आता देख के कि हम कैसे फाइंड आउट करें तो आपको निकालना नहीं है वेव फंक्शन कि इस सिस्टम का आप वेव फंक्शन निकालने बैठो और फिर आप देखो कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में एक ट्रिक लगानी होती है और वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या गिवन है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं स्पिन क्या है ज़ीरो है तो पॉसिबल वेव फंक्शन कौन सा हो सकता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद स्पिन ज़ीरो उनको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिकल बोजोन्स हैं और आइडेंटिकल बोजोन्स के लिए कंडीसन क्या होती है कि वेव फंक्सन क्या होगा सीमेट्रिक होगा तो सिर्फ आपको चेक करना है कि कौन सा वेव फंक्सन सीमेट्रिक है वही क्या होगा पॉसिबल वेव फंक्सन होगा आइडेंटिकल बोजोन्स के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही देखना है कि कौन सा हमारा वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक आता है तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि साई एक्स वन एक्स टू किसके इक्वल होना चाहिए साई एक्स टू एक्स वन के इक्वल होना चाहिए ठीक है मतलब जहाँ पे एक्स वन है वहाँ पे हम क्या रखेंगे एक्स टू जहाँ पर एक्स वन है वहाँ पे क्या रखेंगे एक्स टू एक्स एक्स टू है वहाँ पे एक्स वन रखेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं अगर इक्वल आते हैं तो वेव फंक्शन क्या होगा सिमेट्रिक और वही क्या होगा अपना पॉसिबल वेव फंक्शन होगा ठीक है तो ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो साई एक्स टू एक्स वन हम निकालेंगे एक्स वन की जगह पे एक्स टू रखेंगे तो वन अपॉन टू पाई अल्फ़ा ये तो कॉन्सटेंट है ई रेज टू पावर माइनस टू अल्फ़ा स्क्वायर भी कॉन्सटेंट है एक्स वन की जगह रखा एक्स टू स्क्वायर एंड एक्स टू की जगह पे हमने रखा एक्स वन तो एक्स वन स्क्वायर बाई फोर अब इसको आप इससे कंपेयर करो तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो अगर साई एक्स टू एक्स वन नोट इक्वल है साई एक्स वन एक्स टू के तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो सिमेट्रिक के फंक्शन नहीं है तो ये एडमिसिबल वेव फंक्शन नहीं है बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो साई एक्स टू एक्स वन क्या आ जाएगा बी ऑप्शन में वन अपॉन पाई अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है ई रेज टू पार आइटा के वन एक्स वन की जगह पे हमने रखा एक्स टू प्लस एक्स टू की जगह पे हमने रखा एक्स वन एंड ई रेज टू पार माइनस टू अल्फा स्क्वायर एक्स वन की जगह पे एक्स टू एंड एक्स टू की जगह पे एक्स वन तो ये वाली टर्म तो मैच कर रही है और इस टर्म को अगर आप देखो तो ये मैच नहीं कर रही के वन एक्स टू है यहाँ पे के वन एक्स वन है तो ये भी हमारा किसके इक्वल नहीं है साई एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं है तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है सी ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे भी के वन एक्स वन आएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें के वन एक्स टू तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा एक बार चेक भी कर लेते हैं हम साई एक्स टू एक्स वन अगर हम करते हैं तो क्या आएगा ये तो कॉन्स्टेंट है हमारा पाई अल्फा टू पावर फाइव एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और ये इसी के इक्वल होता है नेक्स्ट टर्म क्या है ई रेज टू पावर माइनस टू अल्फ़ा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर ये इसी के इक्वल है तो डी ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट ऑप्शन है साई एक्स टू एक्स वन किसके इक्वल आ रहे साई एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ रहे तो डी अपना क्या है सिमेट्रिक वेव फंक्शन है जो आइडेंटिकल बोजोन्स के लिए है जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ स्पिन जीरो के लिए पॉसिबल वेव फंक्शन है डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एफ वन डायमेंशनल बॉक्स कंटेन्स वन स्पिन जीरो पार्टिकल एंड फोर स्पिन हाफ पार्टिकल्स वन डी बॉक्स है तो आप एनर्जी लिख सकते हो एनर्जी हमें पता है एनएथ लेवल की क्या होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर विथ नहीं गिवन तो हम ले लेंगे टू एम एल स्क्वायर ठीक है एक तो स्पिन जीरो पार्टिकल है और चार कैसे हैं स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं मतलब एक पार्टिकल तो क्या है बोजोन है और चार पार्टिकल क्या है फर्मियोन से आगे क्या लिखा है ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम मास सेम मास मतलब आइडेंटिकल हैं ठीक है नेक्स्ट है? है अपना हिन्स द सिंगल पार्टिकल एनर्जी आर गिवन बाय ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई तो ई एन को इन्होंने लिखा है एन स्क्वायर ई जहाँ पे एन की वैल्यू स्टार्ट होती है वन टू थ्री एंड सो ऑन ठीक है द एनर्जीज ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर रिस्पेक्टिवली तो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमें निकालनी है तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम कैसे फिल करेंगे इन पार्टिकल्स को अब बोजोन पार्टिकल है उस पर कोई कंडीशन नहीं रहती तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोजोन्स को हम क्या करते हैं जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है उसी में फिल करते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल क्या है एन इज इक्वल टू वन है ठीक है तो उसमें एक बोजोन हमने फिल कर दिया फर्म्योन्स पे जिस जिनके स्पिन हाफ होती है उन पे कंडीशन क्या होती है कि एक एनर्जी लेवल में दो ही फर्म्योन्स आएंगे तो एन एज इक्वल टू वन में ग्राउंड स्टेट अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो दो फर्मियोन्स आ सकते हैं जिसमें एक के स्पिन अप होगी एक के डाउन होगी बचे दो फर्मियोन्स वो किस लेवल में आएंगे एन एज इक्वल टू टू में तो ये तो हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल का कन्फिग्रेशन कि ऐसे पार्टिकल्स हम फिल करेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आ जाएगी कि एक बोजोन पार्टिकल जो है बोजोन के लिए एक बोजोन पार्टिकल है वो किस लेवल में है एन इज इक्वल टू वन में तो उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी एन इज इक्वल टू वन हम रखेंगे तो वन इंटू में ई प्लस फर्म्योन्स के लिए दो फर्म्योन्स पार्टिकल हैं वो एन इज इक्ल टू वन लेवल में है तो टू इंटू में ई एंड टू पार्टिकल जो दो फर्मियोन पार्टिकल हैं वो एन इज इक्ल टू टू लेवल में है तो एन की जगह पे क्या रखेंगे टू तो इंटू में फोर ई e. तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या आ रही है यहाँ से वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस एट कितना आ गया इलेवन ई ठीक है तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इलेवन ए हमें किस में दिख रही है बी और सी ऑप्शन में तो ए और डी तो क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमें निकालनी है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी के लिए क्या कंडीशन हो सकती है कि इनमें से कोई एक पार्टिकल या तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्मियोन कोई एक इस लेवल में तो आ नहीं सकता एनिजिकल टू टू में एन एजिकल टू थ्री में फर्म्योन जाए वो एन एन एजिकल टू वन से भी एन एजिकल टू थ्री लेवल में जा सकता है एन एजिकल टू टू से भी एनइिकल टू थ्री लेवल में जा सकता है या फिर क्या हो सकता है कि इस बोजोन को हम किस में डाल दें एन एजिकल टू टू लेवल में डाल दें तो अगर फर्मिओन को हम डालते हैं तो एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और अगर बोजोन को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ जो हो रही है वो कितने से हो रही है सिर्फ थ्री ई से हो रही है यहाँ पे बोजोन की एनर्जी क्या हो जाएगी फोर ई और यहाँ पे क्या है ई e है ठीक है तो तीन ई से एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इलेवन ई प्लस थ्री कितना आएगा फोर्टीन ई तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा तो कन्फिग्रेशन यहाँ पे क्या होगा आप ऐसे भी देख लो कि बोजोन को हमने फिल कर दिया एन एज इक्वल टू टू में फर्म्यून्स हमने एज इट इज रखें क्योंकि लोवेस्ट जो सेकेंड लोवेस्ट एनर्जी होगी वो कन्फिग्रेशन यही हो सकता है ठीक है तो इसकी एनर्जी हम निकालेंगे तो दो ए बोजोन की अगर हम बात करें एक बोजोन पार्टिकल जो है अपना वो किस में है एन इजिकल टू टू में तो इंटू में फोर ही आ जाएगा प्लस ये एज इट इज़ हैं टू इंटू में ई e, प्लस टू इंटू में फोर ई तो क्या हो गया यहाँ पे एट प्लस टू टेन प्लस फोर फोर्टीन ई तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाकी अदर कोई भी कन्फिग्रेशन अगर हम देखते हैं तो उसकी एनर्जी इस एनर्जी से हमेशा ज्यादा आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो नवंबर 2020 में आया था स्पिन हाफ हर्मियो ऑफ मास एम एंड फोर एम आर इन ए हारमोनिक पोटेंशियल वी एक्स इज इक्ल टू हाफ के एक्स स्क्वायर विच कॉन्फिग्रेशन ऑफ फोर सच पार्टिकल्स हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी इनमें से कौन से कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी लोवेस्ट होगी वो ऑप्शन हमें चूज करना है तो ऑप्शन से ही हम चेक करेंगे कि किसकी लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है तो ए ऑप्शन की हम बात करें तो क्या गिवन है फोर पार्टिकल्स ऑफ मास एम कि हमारे पास चार पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है एम है मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं स्पिन हाफ है हमें गिवन है और क्या है वो स्पिन हाफ है तो क्या है फर्म्योन्स हैं तो फर्म्यून्स के लिए कंडीशन हमें पता है स्पिन हाफ के लिए कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए क्या कन्फिग्रेशन हमारा होगा चार पार्टिकल्स हैं तो दो ही पार्टिकल एक स्टेट में आ सकते हैं तो दो पार्टिकल किस में आएंगे? n एन इजिकल टू टू में आएंगे ठीक है और वी एक्स हमें गिवन है वी एक्स क्या है हाफ के एक्स कर और इसको हम कैसे लिखेंगे के की जगह अब हम लिखते हैं एम m एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे मास हमें क्या गिवन है एम ही गिवन है तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी वो क्या होगी एम पार्टिक एम मास के पार्टिकल के लिए ओमेगा ही होगी तो जो एनर्जी होगी इस पोटेंशियल के लिए उसको हम कैसे लिखेंगे कि एन एथ लेवल की एनर्जी होती है एन प्लस हाफ एच क्रोस ओमेगा जहाँ पे एन हमारा होता है ज़ीरो वन एंड सो ऑन तो n इज इकल टू जीरो में दो पार्टिकल होंगे एंड n इक्वल टू वन में दो पार्टिकल होंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो आ, n इक्वल टू जीरो के लिए भी हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलती है तो एनर्जी क्या आ जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर हम बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो क्या आएगी कि दो पार्टिकल तो हैं हमारे एन इजिकल टू जीरो स्टेट में टू इन टू एन की जगह पर जीरो रखेंगे हाफ एच क्रोस ओमेगा और दो पार्टिकल हैं हमारे n इज इक्ल टू वन स्टेट में तो n की जगह पे वन रखेंगे थ्री बाई टू एच क्रोस ओमेगा तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हमें मिल रही है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए टू से टू कैंसिल हुआ एच क्रोस ओमेगा टू से टू कैंसिल होगा प्लस थ्री एच क्रोस ओमेगा तो फोर एच क्रोस ओमेगा अब बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन हमें क्या किए फोर पार्टिकल्स ऑफ मास फोर एम तो मास फोर एम है लेकिन पार्टिकल्स क्या हुए फोर एम मास है फोर पार्टिकल्स का तो आइडेंटिकल ही है आइडेंटिकल क्या है फर्म्यूंस ही हैं। तो ऐसे ही फिल होंगे लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या आ जाएगी मास फोर एम गिवन है तो वी हम लिखेंगे हाफ के एक्स से हम कंपेयर करते हैं हाफ एम एम की जगह पे हमने रखा फोर एम ओमेगा स्क्वायर एक्सकर तो हमारा क्या आ जाएगा हाफ एम इसको हम कैसे लिख देंगे टू ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी सिर्फ ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख देंगे टू ओमेगा तो फोर एम के लिए ओमेगा की जगह पे हम क्या लेंगे टू ओमेगा लेंगे ठीक है तो एनर्जी क्या आएगी एन प्लस हाफ एच क्रोस ओमेगा की जगह पे क्या लिख दिया टू ओमेगा लिख दिया ठीक है ये एनर्जी आ जाएगी अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है तो जो अपने फर्मियंस होंगे वो तो ऐसे ही फिल होंगे दो फर्म्योन जो होंगे क्योंकि आइडेंटिकल फर्मियंस हैं जिनका मास क्या है फोर एम है दो फर्मियन एन इक्वल टू जीरो में और दो एन इक्वल टू वन में तो क्या आ जाएगा टू इंटू में एन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे हम अब यहाँ पे हमें एन एजिकल टू ज़ीरो रखना है तो क्या आया हाफ एच क्रॉस टू ओमेगा तो एच क्रॉस ओमेगा प्लस दो पार्टिकल्स एन एजिकल टू वन में तो थ्री बाई टू टू से टू कैंसिल होगा इंटू में थ्री एच क्रॉस ओमेगा तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आ रही है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए टू प्लस सिक्स एट एच क्रॉस ओमेगा हमें मिल रही है तो ये तो ज़्यादा है इससे तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा ठीक है अब सी ऑप्शन की हम बात करें तो सी में क्या है कि एक पार्टिकल जो है उसका मास क्या है एम और तीन पार्टिकल्स का मास क्या है फोर एम तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा अब एक पार्टिकल जो है वो जिसका मास m है वो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हम फिल करेंगे ग्राउंड स्टेट में एन इक्वल टू वन में जीरो में हम फिल करेंगे ठीक है और तीन पार्टिकल्स जो हैं मास फोर एम के तीन पार्टिकल्स हैं तो आइडेंटिकल तीन पार्टिकल हैं तो एक में तो दो ही आ सकते हैं एन इजिकल टू वन में तो ठीक है एंड एन एन एजिकल टू जीरो में एन एजिकल टू वन में एक फ़िल कर देंगे हम ये मास फोर एम के हैं और ये मास एम का है ऐसे तो हम फिल कर सकते हैं तीन पार्टिकल्स हमने फ़िल कर दिए एन एजिकल टू ज़ीरो में जिसमें एक तो क्या है मास एम का है और एक मास दो जो है वो मास फोर एम के हैं ऐसे हम इसलिए फ़िल कर सकते हैं अब इन दोनों की स्पिन क्या है दो पार्टिकल्स की स्पिन अप होगी या डाउन होगी तो दो पार्टिकल्स हमने सेम स्पिन के भरे हैं लेकिन उनका मास सेम नहीं है इसलिए हमने दो पार्टिकल्स ऐसे फिल किए हैं तो ये तो अपना कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अब ग्राउंड सेट एनर्जी अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे कि एक पार्टिकल जो है वो एन इक्वल टू ज़ीरो में है तो एन इक्वल टू ज़ीरो के लिए हाफ एच क्रॉस ओमेगा और दो पार्टिकल जो दो, दो फर्मियोन है वो एन एजिकल टू जीरो में है तो क्या आ जाएगा टू इन टू में एच क्रोस ओमेगा प्लस एक पार्टिकल जो है वो एन एजिकल टू वन में है तो क्या आएगा थ्री एच ओमेगा तो ये भी जो ए ऑप्शन है हमारा उससे ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा तो डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमें क्या किए है कि दो पार्टिकल जो हैं जिनका मास क्या है एम है और दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनका मास क्या है फोर एम है तो अभी दो तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसे होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए कैसे हम फिल करेंगे कि हमारे दो पार्टिकल जो मास एम की हैं वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए दोनों पार्टिकल किस लेवल में आ सकते हैं एन इक्वल टू ज़ीरो लेवल में ठीक है क्योंकि ये क्या है हमारे आइडेंटिकल फर्म्यूट्स हैं जिनका मास क्या है एम है लेकिन स्पिन क्या है अपोजिट है ठीक है और दो पार्टिकल जो मास 4m के हैं वो भी हमारे किस स्टेट में आ सकते हैं इक्वल टू ज़ीरो लेवल में आ सकते हैं तो ये 4m के हो होगे ठीक है और एन इक्वल टू वन में क्या होगा एम्प्टी होगा क्योंकि चार ही पार्टिकल्स हैं अपने पास तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आएगी अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी एम पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें तो एनर्जी हमारी आएगी दो पार्टिकल जो है वो n एज टू ज़ीरो में है n की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ एच क्रोस ओमेगा और दो पार्टिकल जो हैं फोर एम मास के वो भी किस में है एन एजिकल टू जीरो में है लेकिन फोर एम मास के लिए हमारा क्या था ओमेगा की जगह पे क्या था टू ओमेगा था तो यहाँ पे क्या था एच क्रोस ओमेगा था एन प्लस हाफ एच क्रॉस टू इंटू में टू ओमेगा हमने लिखा था तो एन की जगह पे जीरो रखेंगे तो एच क्रॉस ओमेगा हमारा आएगा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है एच क्रॉस ओमेगा प्लस टू एच क्रोस ओमेगा थ्री एच क्रॉस ओमेगा तो जो लोवेस्ट एनर्जी हमें मिल रही है वो डी ऑप्शन के कोर्स फोन मिल रही है तो जो डी कन्फिग्रेशन है कि दो पार्टिकल जिनका मास एम होगा और दो पार्टिकल जिनका मास फोर एम होगा उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी लोवेस्ट होगी बाकी सबसे तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा तो फैब 22 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आइडेंटिकल पार्टिकल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो अभी तक आइडेंटिकल पार्टिकल से सी एस आई आर नेट में जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे हमने सोल्व कर लिए हैं और आई होप आपको समझ भी आया होगा अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में